हेलो एवरीवन, हम वापस आ गए एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीवीआर के सोलाना और जिलिका के बारे में। बात करते हैं एनटीवीआर के बारे में, जो कि मैंने फिर से नहीं सुना हुआ है। तो संदेश बताइए यार, क्या है ये? नहीं, ये तो नया ही है, मैंने भी नहीं सुना भाई। ये अभी अच्छा 18 अभी अक्टूबर में लिस्ट हुआ है, तो कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। मैंने ट्रेड भी नहीं किया है कभी, तो लेवल्स नहीं बने। मैं फटाफट लेवल बना लेता हूँ। हाँ और ये क्यू कॉइन पे है सिर्फ, क्योंकि अभी नया प्रोजेक्ट है। ऑल्सो ये क्योंकि अभी लास्ट मतलब 2 महीने पहले ही लिस्ट हुआ है, तो इसका डेली टाइम फ्रेम पे डेटा कम है, तो हम इसको 4 आवर पे देख रहे हैं। जस्ट FYI, अच्छा मैं 1 मिनट में लेवल बना देता हूँ। अरे मिस हो गया, मिस हो गया। हाँ, क्या ये सही लेवल है? खुद ही के लेवल को डाउट कर रहे हो और फिर भी ट्रेड कर रहे हो यार, तो जिंदा हो तुम लोग क्या? गाइस दैट्स अ गुड वन। पर गाइस, अगर तुम्हें भी सीखना है ना ये लेवल्स वेवल्स कैसे, ये क्या कर रहा है, मतलब ये लाइंस बना के, तो हमारी बहुत अच्छी एक डिटेल्ड सीरीज भी बना रखी है हम लोगों ने। जब तक सबने प्लॉट करता है तो आप लोग भी प्लॉट कर सकते हो, और इनफैक्ट आप प्लॉट करके हमारे को भेज सकते हो। हम आपकी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर सकते हैं कि यार ये लेवल सही है नहीं ग्रुप है, में क्या टैग करो, चार्ट भेजो, तो बेटर तुम लोग अपन डिस्कशन करेंगे फिर है। करेक्ट, ये सबके बहुत चार्ट्स बहुत बहुत ही मस्त सीन है, तो करके देखो, अच्छा लगता पे। हाँ, और ऐसा सब ज्ञान मिलते रहने के लिए है ना, है। सब्सक्राइब करो, फिर करना ही पड़ता सब्सक्राइब है कि करो। नहीं? बिल्कुल, तो करे रहो सब्सक्राइब। और सीरीज देखो, वो हमने बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट डाल के बनाई है, और बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस करी है। तो सीरीज देखो, और ऐसी सीरीजें अगर और बनानी हो कोई, मतलब किसी और टॉपिक पे, तो कमेंट में बताओ, हमारे कमेंट में टेलीग्राम बताओ। ग्रुप में ज्वाइन करके हमको बताओ कि भाई यार ऐसा है, हमको ये सीखना है। हम प्रबंध करेंगे, हम आप चिंता ना करें, हम प्रबंध करेंगे। पर आप बताएं तो कि प्रबंध किस चीज का करें, है कि ठीक है? तो हम आ जाते हैं एंटी, जो भी ये नेटवर्क, जो भी मतलब इसका नाम है शायद, जैसा मैंने बताया क्यू कॉइन पे नया प्रोजेक्ट और 4 आर पे है क्योंकि अभी अभी लिस्ट हुआ। इसके बारे में अगेन नॉट टू मच टू डिस्कस हियर। ऑल टाइम हाई बनाया अभी दिसंबर में, क्योंकि लिस्ट ही अक्टूबर में हुआ, उसके बाद से सॉलिड डाउन ट्रेंड। मैं पहले लेवल बताता हूँ। 3.07 हाँ पे जी, इसका है सपोर्ट और 3.63 पे इसका रेजिस्टेंस है। 3.07, 3.63 एंड 3.63। 3.63, 3.63। अच्छा ओके, हाँ, 3.07, 3.63, हाँ 20% दूर है। राइट। हाँ, तो ये इसने अभी 10 दिसंबर को, या नहीं 4 दिसंबर को, सॉरी 3-4 दिसंबर को ऑल टाइम हाई बनाया। एंड सिंस द प्राइस आर ड्रॉपिंग ड्रामेटिकली, अगर आप देखो तो दिस इज द हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, एंड फॉर द लोअर हाई दिस इज अ लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, पाताल लोक, पाता लोक 2.0, एंड फिर अब देखते हैं, राइट? सो मतलब भाई साहब, दो लोअर हाई लोअर लो हमने बनाया है सिस्टम में कि भाई उतने में डाउन ट्रेंड कंफर्म। उसने कह रहा क्या दो, वो छोटी बात कर रहे, तुम तो मिठाई जैसे पूरा डब्बा रखो, 4, 5, 6, 8, राइट? सो दो लोअर हाई लोअर लो में डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाता है, 4, 5 लोअर हाई लोअर लो बन गए। ऑन द 4 आर क्लियरली इट इज वेरी वेरी बेरिश। प्लीज प्लीज डू नॉट गो लॉन्ग। आप उसको मतलब स्पॉट में भी बाय ना करें ट्रेडिंग पर्पसेस से, या लॉन्ग तो अवेलेबल होगा नहीं, पता नहीं मुझे, लॉन्ग ना करें। शॉर्ट अवेलेबल ही नहीं है तो हम उसकी कोई डिस्कशन करेंगे नहीं, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं बनता उसका, क्योंकि मतलब आप कर ही नहीं पाओगे अगर आपको शॉर्ट करना भी चाहिए तो, राइट? सो प्लीज डू नॉट गो लॉन्ग, शॉर्ट इज इंट अवेलेबल, सो उसको शॉर्ट की बात करेंगे नहीं। अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग है तो आपको क्या करना चाहिए, आप वेट करो कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है, जो ये रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है ना एट द मोमेंट, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो आप अपना लॉन्ग होल्ड करो, वरना निकल जाओ। सो सी द रिएक्शन एट दिस लेवल, मे बी ऑल्सो पुट अ स्टॉप लॉस समवेयर हियर। अगर स्टॉप लॉस मतलब आप लगाते हैं, लगाना ही चाहिए सबको एक्चुअली, तो लगाना ही थ्री चाहिए। पॉइंट थ्री फाइव 3.35, 3.3 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लगा लो। और उसके नीचे अगर डेली क्लोज जाता है, एक्चुअली स्टॉप लॉस मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर ना लगाए, 3.3 पे अलर्ट लगा दें। 3.3 के नीचे अगर डेली क्लोज जाता है तुरंत निकल जाओ, या फिर आप रेजिस्टेंस पे रिएक्शन देख लो कि ये तोड़ पा रहा है कि नहीं, अगर नहीं तोड़ पा रहा है तो भी निकल जाओ, राइट? ओनली एंड ओनली सिचुएशन इज कि अगर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाता है और कंफर्मेशन मिल जाता है तो ही आप अपना लॉन्ग होल्ड करो, वरना तुरंत निकल जाओ, राइट? नया लॉन्ग क्रिएट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है और शॉर्ट अवेलेबल ही नहीं। सो दैट इज व्हाट एवर द प्रोजेक्ट इज, नेटवर्क उसका नाम है NTVRK। लेट्स टॉक अबाउट सोलाना। ये भाई को एकदम एक्साइटमेंट है सोलाना की। और क्या,
दिल से खुशी। तो लेवल दिल से खुशी होती है। हाँ लेवल ले लो, 175 इज द सपोर्ट, 191.5 इज द रेजिस्टेंस। 191.5 इज द रेजिस्टेंस एंड 175 इज द सपोर्ट। यार ये तो बड़ा ही साइडवेज हो गया फिर तो, मतलब पिछले हफ्ते भर से। हाँ पिछले हफ्ते भर से। हाँ इट इज बिटवीन दैट रेंज ओनली। ठीक है, सो हम सोलाना की बात करते हैं। 6 नवंबर को ऑल टाइम हाई बनाया, सिंस देन इट इज ड्रॉपिंग, काफी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड इनफैक्ट। लगाने का सोलाना के बारे में ऐसा होगा, पर अब है, मतलब दिस वाज द ऑल टाइम हाई, दिस इज अ लोअर हाई एंड लोअर हाई। अब देखते हैं अगला कहां बनता है। दिस इज अ लो, लोअर लो, लोअर लो, पाता लो तो नहीं, पर हाँ चलो लोअर लो। सो दो चाहिए होते हैं, तीन लोअर हाई, तीन लोअर लो बन गए, एक्चुअली चार लोअर लो बन गए और तीन लोअर हाई बन गए। तो क्लियरली डाउन ट्रेंड हो गया सोलाना में कंफर्म, जैसे नितिन बता रहे थे पिछले एक आध हफ्ते में थोड़ा सा हो गया साइड बेस, पर ठीक है उतना तो चलता है, मतलब थोड़ा मूवमेंट, मतलब इतना ज्यादा ड्रॉप हुआ उसके बाद एक थोड़ी वी शेप रिकवरी भी करी और फिर उसके बाद आ गए। आपको एक और बात बता दूं, ये जो 150 जहां से वी शेप रिकवरी है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पे भी सपोर्ट है। दो तीन बार यहां से चार बार बाउंस आ चुका है, राइट? सो कीप सच लेवल्स इन माइंड। बाकी सोलाना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, थोड़ा साइडवेज रिसेंटली बट अदरवाइज स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। तो नया लॉन्ग ना क्रिएट करें, प्लीज डू नॉट क्रिएट अ न्यू लॉन्ग ट्रेड। ओके, अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हैं तो वेट करो, अगर वो 175 के नीचे वीकली क्लोज कर देता है अभी इस संडे को तो निकल जाइए। अगर वो होल्ड करता है तो थोड़ा टाइम पास कर सकता है इन दो के बीच में, अगर आप उस उतना पेशेंस रखते हो तो ठीक है। मतलब अगर 175 के नीचे क्लोज नहीं भी होता है तो भी ये बीच में टाइम पास कर सकता है, अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो ठीक है, वरना निकल जाओ, राइट? एंड 175 के नीचे तो पक्का ही निकल जाओ, राइट? इफ यू आर लॉन्ग, इफ यू आर शॉर्ट देन इट्स फाइन, यू कैन कंटिन्यू टू स्टे शॉर्ट। जस्ट कीप अ वॉच कि 200 क्रॉस ना हो, 200 क्रॉस हो जाए तो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर आप अगर क्रॉस हो जाता है तो आप तुरंत निकल जाना, बट अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड योर शॉर्ट पोजिशन, शॉर्ट इज फाइन। नए लॉन्ग्स बिल्कुल क्रिएट नहीं करने हैं। नए शॉर्ट्स क्रिएट करने के लिए देयर इज टू थिंग्स, या तो आप इस पुल बैक का वेट करो, राइट? जो 191.5 का जो रेजिस्टेंस है उस पर पुल बैक है, जो आ भी रहा है, मतलब ऐसा नहीं थोड़ा टाइम पास कर रहा है, उसमें अगर हो सकता है आपको ऊपर की तरफ शॉर्ट करने का मौका मिल जाए, दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। और द सेकंड वे ऑफ डूइंग इट इज बिलो 167 के नीचे। सो अगर आपको, सो मैं समराइज करता हूँ सोलाना को, नए लॉन्ग नहीं क्रिएट करने, अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग ओपन है वो अगर 175 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप निकल जाइए। ये हो गया अगर आप मतलब लॉन्ग साइड लॉन्ग पे, शॉर्ट साइड के, हाँ शॉर्ट साइड वाले जो शॉर्ट हैं ऑलरेडी वो होल्ड करें, कोई दिक्कत की लाइन नहीं। जो नया करना चाहते हैं वो या तो 191.5 के आसपास जो रेजिस्टेंस है वहां पे, या 165 पे मत करना, कंफर्मेशन के लिए वेट करना, 167 के नीचे आप शॉर्ट करो, राइट? सो दैट इज सोलाना, राइट? काफी काफी डगमगा ऐसा, लेकिन तब भी मेरे को लगता है काफी स्ट्रेंथ भी है लाइक सोलाना में। हां मतलब इट्स नॉट एज बैड एज हाँ, कि मतलब वो डाउन ट्रेंड ऐसा भी नहीं है, कि वो कन्विक्शन है इसमें भी बाकी, कि खात्मा वात्मा नहीं हुआ, वरना होने को तो इसका तो कहाँ पे पहुंच जाएगा अगर जाएगा तो। तो दैट्स वन गुड थिंग अबाउट सोलाना आई थिंक। लेट्स टॉक अबाउट ज़ेलिका। ये कौन सा, ये एक मिनट, यस सो ज़ेलिका क्या, ओ भाई 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 एक मिनट, कुछ ज्यादा ही ड्रॉप आ गया था, अब लेवल पास में अपडेट करना पड़ेगा, एक सेकंड एक सेकंड। यप दिस इज कूल। हाँ जी मैं लेवल्स बता देता हूँ आपको, 0.06 इज द सपोर्ट एंड 0.075 इज द रेजिस्टेंस। 0.06 एंड 0.075, 6 सेंट्स एंड 7.56। यप सो ये है। ज़ेलिका की बात करें तो ज़ेलिका had a eventful kind of first half of 2020 और काफी, in fact काफी ज्यादा eventful actually, मतलब December 2020 से 2021 May तक बहुत ही ज्यादा बड़ा 2021 का first half, like I said काफी eventful था, ये all time high बनाया May में, लेकिन उसके बाद से काफी disappointing movement पिछला, मतलब भाई अब मतलब 8 महीने होने आए, कितना और disappoint, right? So this is the मतलब पूरा पूरा ही ट्रेंड बेरिश बड़ा सा। अगर हम रीसेंट पास की बात करें पिछले 1-1.5 महीने में, यहाँ तो काफी ज्यादा ही बेरिश इनफैक्ट और। सो दिस इज द हाई, दिस इज द लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, एंड अब देखते कहाँ बनाता है, एंड देन देयर इज दिस लो, लोअर लो, लोअर लो, ऑप्स एक मिनट। हाँ
So this is a low, lower low, lower low, lower low, and lower low. Right? So पिछले अगर मतलब first week of November से बात करें, पिछले दो महीना almost, उसमें लगातार लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यूसली बना रहा है जिली का अपने डेली चार्ट पे, which is very very bearish. तो पहली चीज आप लॉन्ग ना करें, नया लॉन्ग प्लीज ना क्रिएट करें. अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हो तो सपोर्ट अगर टूट जाता है, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ वेट करने का, क्योंकि अभी पिछले दो तीन दिन काफी इवेंटफुल रहे, मतलब 21 दिसंबर को 6.25% बढ़ा, कल 7.25% बढ़ा, और आज भी बढ़ रहा है 2% के करीब बढ़ चुका है, राइट. सो कल 7%, हाँ, सो कल 7%, परसों 6%, मतलब काफी बढ़ा है, और आज भी 2% के करीब बढ़ा हुआ है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नया लॉन्ग ना क्रिएट करें. अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है, एग्जिस्टिंग पोजीशन है, तो आप सपोर्ट के टूटने का वेट करो. अगर सपोर्ट टूट जाता है तो आप एग्जिट कर जाओ, नहीं तो आप होल्ड कर सकते हैं अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए, ठीक है. और सपोर्ट टूट जाए तो प्लीज तुरंत निकल जाएगा, ठीक है. मतलब 0.06 जो 6 सेंट्स का सपोर्ट है वो टूटते ही तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि नीचे फिर बहुत दूर है लेवल, फिर बिल्कुल बिल्कुल भी मतलब रिस्क लेने लायक नहीं हो, राइट. सो नीचे वाला लेवल इतना दूर है कि मतलब मैं क्या ही बोलूं, तो आप प्लीज उससे बच के रहो, मतलब ना रहे. 6 सेंट्स के नीचे डेली क्लोज हुआ, कंफर्मेशन मिला, आप निकल जाए, ठीक है. सो ये हो गई बात लॉन्ग साइड की, कि नया नहीं लेना है, पुराना वाला सपोर्ट अगर टूट जाए तो एग्जिट कर जाना है. शॉर्ट अगर आप ऑलरेडी हैं तो होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउन ट्रेंड तो बना हुआ है तो कोई हो नहीं. अगर आपको नया शॉर्ट क्रिएट करना है तो मतलब आपको नया ट्रेड लेना है, तो या तो इस पुल बैक के लिए वेट करो, राइट, 0.075 ये जो है इसका वेट करो. और मुश्किल है थोड़ा आना, अगर मार्केट मतलब यहाँ से गिरने लगता है बिटकॉइन अगर जैसा लग रहा है तो फिर यहाँ से मुश्किल है उतना ऊपर आना, पर अगर आ जाता है तो यहाँ तो बढ़िया शॉर्ट मिल जाएगा. और नहीं तो 6 सेंट्स के नीचे, जैसा हमने बताया कि फिर नीचे जो अगला लेवल है वो तो बहुत दूर है, तो 6 सेंट्स के तोड़ने के बाद तो बेहतरीन शॉर्ट मिलेगा आपको, क्योंकि उसके बाद कोई बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है ही नहीं. सो इधर आप पुल बैक का वेट कर सकते हैं, कम चांसेस उसके आने के, पर आ जाए तो बढ़िया है. और नहीं तो आप सपोर्ट के टूटने के बाद तो आराम से ठोको ताली, मतलब ओपन फायरिंग, राइट. सो दैट इज ये एक्चुअली मेरे को, हमने आज जो डॉट और एडा के बारे में बात की है कि पंप आ रहा है लेकिन स्टिल नॉट इनफ, मतलब चाहे जितना भी आ जाए स्टिल नॉट इनफ. सो अपना ट्रेंड वो ही है खतरनाक वाला, एंड वो बरकरार लग रहा है. तो इसमें तो अभी यही है कि एक्चुअली बेसिक आपको पता ही है, हायर हायर नहीं बन रहा तो आप सोच भी नहीं सकते कि ट्रेंड रिवर्स हुआ, मतलब एक कॉन्फर्मेशन भी नहीं आया तो क्या भाई, क्या तुम्हारे को कन्विक्शन दे रहा है? या तो फिर तुम छोटे टाइम फ्रेम पे खेल रहे हो तो अलग बात है, ठीक है ना गाइस. और बाकी अगर डिटेल में समझना है कि हमने क्या क्या बात की है, तो फिर उसके लिए हमने एक बहुत बेहतरीन सीरीज बना रखी है, वो जरूर देख लेना. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना. बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग सब मिल जाएगा आपको. और उसके अलावा कुछ चाहिए होगा तो आप यार कम्युनिटी को ज्वाइन करो भाई लोगों, हमारी मतलब ट्विटर पे इतने एक्टिव रहते हैं हम लोग, टेलीग्राम पे इतने एक्टिव रहते हैं, डिस्कशन फुल लॉन चलते रहते हैं हमारे. हमें टैग करो, हमसे पूछो कि क्या कर सकते हैं हम, नहीं तो कम्युनिटी बता देगी कि किसी ना किसी के पास आंसर होते ही है. और ऐसे ही हमने काफी सारी वीडियोज बना रखी है काफी अलग अलग कॉइन्स के बारे में, उन सभी के आपको लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अगर आपका कॉइन नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने यार रिक्वेस्ट नहीं की थी, और रिक्वेस्ट आप कहाँ कर सकते हो, हमारे ट्विटर और टेलीग्राम पे, जहाँ पे हम हर मंडे और थर्सडे को एक गूगल फॉर्म रिलीज करते हैं जिसमें हम आपकी खुद की रिक्वेस्ट लेते हैं और उन्हीं के बारे में हम ऐसी डिटेल डिस्कशन करते हैं. लेकिन अगर आपको इमीडिएट हेल्प चाहिए कुछ, तो आप टेलीग्राम पे सुमनेश को टैग करके पूछ सकते हो, बड़ा अच्छा बंदा है, हेल्प कर देता है, ठीक है ना. चार्ट वार्ट भी आप अपना बना के भेज सकते हो, हम लेवल्स वगैरह भी डिस्कस करते हैं वहाँ पे. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सुमनेश. Bye, man.